तो अब हम आ चुके हैं गिज्मो ज्ञान चैनल से टेक फॉर मॉब पे। अगर आपको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था वो गिज्मो ज्ञान चैनल पे अपलोड करा है, ऊपर कार्ड्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो काफी इंटरेस्टिंग था और काफी इन्फॉर्मेटिव भी था, तो उसको थोड़े फनी क्वेश्चंस भी थे और इसमें भी हमने कुछ फनी क्वेश्चंस ऐड करे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और फर्स्ट पार्ट को भी पूरा जरूर देखना। बिल्कुल, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब फोन आता है जो कि है मोटो वन पावर, जिसका हम वेट काफी कर रहे थे जब तक ये नहीं आया था। लेकिन जब फोन को हमने यूज किया, देखा, टेस्ट किया, तो सोचा यार टाइम वेस्ट कर दिया वेट करके। मतलब इस फोन में ना परफॉर्मेंस सही लगी, बैटरी बैकअप सही लगा, बस ये दो चीजें सही लगी। इस फोन की बिल्ड क्वालिटी पसंद नहीं आई मेरे ख्याल। मतलब बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब मेटल है मानता हूं मैं, लेकिन उतना प्रीमियम नहीं लगता है यार। ये फोन बहुत भारी है, इतना भारी है, मतलब 200 से भी ज्यादा इसका वेट है, 200 ग्राम से भी ज्यादा। 5000 mAh की बैटरी है मानता हूं मैं, फिर भी बहुत हैवी फोन, बहुत हैवी फोन है यार ये। और ऊपर से इस फोन का जो फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा है वो बहुत ही एवरेज है यार। पोर्ट्रेट मोड बिलो एवरेज, बिल्कुल अच्छा नहीं, पोर्ट्रेट मोड बिलो एवरेज है, फ्रंट कैमरा भी बस ठीक ठाक है, तो इसको आप कंसीडर ना ही करो तो बेटर रहेगा। मैं जहां लगी जितने में भी मिल रहे हैं आपको ये, लेकिन ये है कि अपडेट देकर कब इंप्रूव होता है वो सोचने वाली बात है। नहीं, जरूरत ही क्या है, आज की डेट में ऑप्शंस देखो यार, ऑप्शन काफी है। अभी आपको 15,000 रुपए के अंदर हमने 5 फोन बता दिए, तो इसको इग्नोर करोगे तो इसको इग्नोर ही कर दो आप। हाँ, उसके बाद हमारा एक जो सबसे बड़ा बीस्ट बैठा है, एक 17-18 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं वो आपको सेल में, Poco F1। Well, Poco F1 बहुत इंप्रूव हो गया है सॉफ्टवेयर अपडेट्स स्टार्टिंग से। अगर मैं कंपेयर करूं आज तक, तो Poco F1 में Xiaomi ने इस मामले में मुझे बहुत बढ़िया लगता है। Xiaomi एक Asus कि जो बग्स होते हैं ना उसको बहुत जल्दी फिक्स करता है। मतलब क्या है कि अगर हम Asus या Xiaomi के बग्स बता रहे हैं आपको, तो उसको पॉजिटिवली लेते हैं। बिल्कुल, और यही रिजल्ट है कि Poco F1 जब लॉन्च हुआ था, मैंने उसका जब कैमरा कंपैरिजन करा था ना, तो लो लाइट में एक ग्रीन टिंट देखने को मिलता था, जिसकी वजह से कलर कॉन्ट्रास्ट काफी आर्टिफिशियल लगता था। आज की डेट में ये इशू फिक्स हो चुका है। 5Z में भी ऐसे था, कुछ इशू था स्टार्टिंग में भी। हाँ, मतलब जो फ्लिकरिंग होती थी काफी, फ्लिकरिंग होती थी, और आज उस इशू को Asus ने फिर Zenfone 5G में फिक्स कर दिया। बाकी इस पे भी आने वाले हैं आगे, बट फिलहाल अभी 18,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में है। तो पोको में लो लाइट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया गया सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ। इसी के साथ साथ एक चीज और बताता हूँ, जब नया नया पोको F1 आया था, तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड था ना, उसमें एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट देखने को मिला था। कमाल के, मतलब ना बिल्कुल एजेस बढ़िया डिटेक्ट करता था, बैकग्राउंड ब्लर बहुत नेचुरल था। लेकिन इस फोन में एक कमी थी, मेन सब्जेक्ट पे इनफ डिटेल्स नहीं होती थी। ऐसा नॉर्मल इमेजेस में नहीं हो रहा था, सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में हो रहा था। तो हमने जब इसको हाईलाइट करा, और आज के डेट में सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद जो इसका पोर्ट्रेट मोड है वो मैं कहता हूँ मेरे को बहुत पसंद है। मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स भी इनफ है, एज डिटेक्शन भी ऑन पॉइंट है, और बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत एकदम नेचुरल है। और तो वो भी आ गया ना सुपर स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन आ गया। ऊपर से जब जी कैम आप इसमें डालोगे ना, इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। जी कैम इंस्टॉल करने से मेन जो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी वो दिखेगी डायनामिक रेंज में। बिल्कुल, बहुत इंप्रूव हो जाती है, बहुत ही जबरदस्त डिटेल आपको मिलेगी। हाँ, तो डायनामिक रेंज बहुत इंप्रूव हो जाएगी अगर आप जी कैम डालोगे। और ये फोन हाईली रिकमेंडेड है इस प्राइस में। मैं इतना भी कहूंगा, अगर किसी का बजट 15,000-16,000 रुपए है, और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, 18,000 तक जा सकते हो, तो भी ये फोन मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सिर्फ बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बोरिंग, थोड़ी वो है, मतलब आपको हाथ में लेकर लगेगा 10-12 हज़ार का फोन है। हाँ बिल्कुल, तो बस बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अदर देन दैट, अगर आपने इस फोन को ले लिया, तो 1.5-2 साल तक ये फोन मस्त चलने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बाकी अगर आप सैमसंग के फैन है, बिल्कुल, तो काफी लोग हैं जो सिर्फ सैमसंग का ही फोन लेना चाहते हैं, तो एक तो आपको मिलता है सैमसंग O8, जिसका प्राइस 12,000 के आसपास है। अच्छा, तो उसका कैमरा मतलब अच्छा लगा था हमें यार। उसका कैमरा मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बना, बट वैसे अगर आपको इमेजेस कैप्चर करनी है, तो डे लाइट में, लो लाइट में, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा उसका बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आप सैमसंग के फैन हो, सैमसंग की आपको चाहिए, तब आप ये फोन कंसीडर कर सकते हो। हाँ, अदरवाइज आपको और भी ऑप्शन हमने बता दिए हैं। बिल्कुल, तो कैमरा अच्छा है, 450 प्रोसेसर है, जो थोड़ा और बेटर हो सकता था इस प्राइस सेगमेंट में, बट वही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सैमसंग देखते हैं, सैमसंग कहेगा मैंने 19,000 का फोन दिया था, अब आपको 12 में दे दिया, और क्या लोगे। सही बात है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी है। हाँ, तो ठीक है, अगर सैमसंग के फैन हो तो ही आप इस फोन को कंसीडर करना। और जो अगला फोन है सैमसंग का, वो है 18,000 की रेंज का, जो कि लॉन्च किया गया था 22-23 हज़ार के आसपास। बिल्कुल, सैमसंग A7 2018। बिल्कुल, इस फोन में एक्सिनो 7885 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। बैटरी बैकअप वगैरह सब बढ़िया है इस फोन का। थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा डे टू डे यूजेज में, यूआई में थोड़ा बहुत डे टू डे यूजेज में लैग देखने को मिलेगा। अदर देन दैट, इस फोन में कुछ खास कमी नहीं है। कैमरा भी अच्छा है, कैमरा तो उसका बहुत बढ़िया है। अब इसको इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस फोन का कैमरा कमाल का है। लो लाइट में पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज करा है, और काफी कम नॉइज देखने को मिलेगी। और डे लाइट में तो खैर आती बहुत शार्प इमेजेस हैं।
एक कमी और थी इस फोन में कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22-23 हज़ार में सैमसंग को फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए थी, वो इस फोन में नहीं है। तो ठीक है, मतलब अगर आपको सैमसंग के फोन्स पसंद है तो ये फोन आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। मतलब इससे पहले तो अगर आपको सैमसंग का ही लेना जबरदस्ती ऑनर तब ले सकते हो, लेकिन ये फोन फिर भी आप वैसे भी ले सकते हो। हाँ, अगर आपको ब्रांडेड उस ब्रांड का फोन चाहिए, हाँ ब्रांड वैल्यू को दिमाग में रखते हुए आप लेना चाहते हो, क्योंकि इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है ना सैमसंग की, वो बहुत बढ़िया है। ग्लास पील के साथ ये फोन आते हैं, बिल्कुल, तो देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगेगा। बाकी तीन फोन और हम आपको बताने वाले हैं। एक तो है आपका Huawei Y9 2019, Honor 10 Lite और Samsung S8। Samsung S8 एक्चुअली इस टाइम पे सेल में 31,000 या 30,000 का मिल रहा है, बट उसको हमने मेंशन नहीं करा उस प्राइस सेगमेंट में, बिकॉज यार उस फोन का बैटरी बैकअप बढ़िया नहीं है और अब कॉम्पिटिशन इतना टफ है इस प्राइस सेगमेंट में कि जो प्रोसेसर है वो भी स्नैपड्रैगन 845 के साथ कंपीट नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता, ठीक है। कैमरा अच्छा है बट उसमें पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता। काफी कमेंट्स आ रहे हैं इसको लेकर कि ये फोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यार चाहे कितने भी बड़े आप हार्डकोर फैन हो सैमसंग के, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इस फोन का बैटरी बैकअप यार अच्छा नहीं है। और अब तो S10 आने वाला है, बल्कि अब तो S10 आने वाला है, तो अगर हाँ आप एक दो महीना रुकोगे ना तो S9 का ही प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, मतलब 35,000 रुपए के आसपास आपको S9 मिल जाएगा, फिर वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो S8 मत लेना, अब रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ, रुक जाओ। और जहां तक बात रही Huawei Y9 और 10 Lite की, Honor 10 Lite की, इनको हम टेस्ट कर ही रहे हैं, इनको भी टेस्ट कर रहे हैं, इनकी वीडियोस आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। हाँ, हम दोनों के चैनल्स पे ही आपको, तो अभी हम आपको वैसे कह नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है। सेंसर अच्छा है 10 Lite में, नो डाउट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेस्टिंग करने के बाद हम कंफर्म करेंगे। एक्चुअली ऑन पेपर कैमरा सेंसर देख के नहीं कमेंट किया जा सकता जब तक वो टेस्ट ना कर ले, तो उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इतना बता सकते हैं हम आपको, दोनों ही फोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आई है, मतलब ये ग्लास वाले फोन नहीं है। तो ये ग्लास वाले फोन नहीं है, मतलब आपकी मेन प्रायोरिटी बिल्ड क्वालिटी है, तो फिर Honor 8X वगैरह ही देख लेना या नोकिया 6.1 प्लस, तो वो बेटर रहेंगे। तो इनका जो कैमरा कंपैरिजन है और जो पूरा फुल कंपैरिजन है कुछ वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। हम ड्रॉप टेस्ट भाई हम तो कर देंगे, ब्रांड को वापस फोन जाएगा टूटा हुआ। और एक मिनट हुआ भी Y9 तो अपने पैसों से खरीदा है। तो ड्रॉप टेस्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों एक Vivo V9 Pro है जो कि आपको ऑफर में हाईलाइट किया जा रहा है Flipkart के पेज पे। बिल्कुल, अब आपके माइंड में आएगा Vivo का फोन है, कैमरा तो अच्छा ही होगा इसका। बिल्कुल, तो क्या कहते हो इसके कैमरे के बारे में? ये भी एक्चुअली 18,000 के प्राइस सेगमेंट में ही आता है इसका, 6GB रैम वाला 17,990 का था, लेकिन अब इसका प्राइस ये नीचे कर यहाँ तक आ गया, 2,000 फ्लैट ऑफ मिल गया इस पे। हाँ, मतलब 16 वाला 14 का हो गया और 18 वाला 16 का हो गया। पर ये फोन मतलब इसमें प्रोसेसर बढ़िया है, यूजर इंटरफेस वगैरह परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन ये फोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, ना मैं खिलानू जो आप करोगे नहीं। यार इस फोन का ना मतलब फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा बहुत बेकार है। मतलब क्या होता है, वीवो का नाम आते ही वीवो ओप्पो का कैमरा हमारे माइंड में आता है कि इनका अच्छा होगा। हाँ, इस फोन के साथ ऐसा नहीं है, इस फोन के साथ ऐसा नहीं है। होते हैं वीवो के कई फोन के कैमरा अच्छे भी होते, अच्छे हैं, होते हैं, बट इस फोन का कैमरा बहुत बिलो एवरेज है, तो इसको कंसीडर मत करना, इसको कंसीडर मत करना। नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट पे चलते हैं जो 25,000 रुपए का है। देखो एक बैठे हमारा Acer Zenfone 5Z और एक है Honor 10 जो भी सेल में 25 के आसपास मिल जाता है। अब क्या है कि जो 5Z है वो आपको 128GB वाला मिल सकता है 25,000 में। बिल्कुल, और ये एक ऐसा फोन है जो हाईली रिकमेंडेड है। अब ये मत बोलना कि Asus ने पैसे दिए, सच बोल रहे हैं और खुद यूज करा है तभी बोल रहे हैं। देखो मेरी जो जितनी वीडियो आती है ना, मैं सब इसी के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ। अब आप देख लो, और आज की डेट में मतलब जब ये लॉन्च हुआ था, अब तक फ्रंट कैमरा को एक्चुअली में इन्होंने इमेज क्वालिटी को काफी इंप्रूव करा है, काफी इनहेंस कर दिया इमेज क्वालिटी, और रियर कैमरा तो इसका स्टार्टिंग से ही बहुत बढ़िया था। हालांकि आपको ऐसे इसी प्राइस सेगमेंट में Honor 10 भी मिल जाते हैं, वो भी आपको देखकर फोन काफी अच्छा लगेगा, लेकिन उसका जो कैमरा है उसमें क्या है ना कि वही सेल्फीज कैप्चर करें ना, थोड़ा सा वाइट सी ओवर शार्पनिंग देखने को मिलती है। एयर ब्यूटी मोड है, हाँ, फेयर एंड लवली आपको बिना कहे लगा देगा। हाँ, मतलब मेरे को पता है गुस्सा क्या आता है, एयर ब्यूटी मोड को ऑफ भी कर देंगे ना अगर, तो भी वो ना ओवर स्मूथनिंग देखने को मिलती है फेस पे। ये थोड़ी कई ओनर के फोन में मैंने ये चीज देखी है। हाँ, और रेयर कैमरा में भी जो AI मोड है वो कलर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। तो Zenfone 5Z एक बेटर ऑप्शन रहेगा, चाहे कैमरा हो, प्रोसेसर हो, बैटरी बैकअप सब बढ़िया है इसका। हालांकि AI हमारे फायदे के लिए आया था, लेकिन अब लग रहा है उसका नुकसान ही हमको मिल रहा है, ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होता ना कई फोनों में। हाँ, बट Zenfone 5Z में मतलब इसमें अच्छे से इंप्लीमेंट किया है AI को। कई फोन ऐसे होते हैं जो आपको 10-12 हज़ार के मिल जाते हैं, लिख देते हैं AI कैमरा बस, लेकिन कैसा होता है AI कैमरा वो हमारे भाई को बताइए। आपको कैमरा कंपैरिजन वीडियो में दिख ही जाता है, दिख ही जाता है, ज्यादा बोलने की मतलब ना फोन घबरा जाते हैं भाई के हाथ में आते ही। तो काफी देर हो गई है, तो एक क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल, ये बताओ आप कि आपका फेवरेट फोन कौन सा रहा है 2018 का? 2018 में मेरे को Zenfone 5Z और Samsung Note 9 ये फोन्स बहुत पसंद आए हैं।
सैमसंग के फोन्स में क्या था, परफॉर्मेंस वगैरह इस बार एक्चुअली में बहुत इंप्रूव हो गई थी, और नोट 9 में तो बैटरी बैकअप भी बढ़िया था बिल्कुल ठीक है। और Zenfone 5G में तो आपको यूज कर ही रहे हो आप, आपको पता ही है, मतलब जो उसके डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जो डिस्प्ले है, जो परफॉर्मेंस वो बढ़िया है ही। और आप बताओ। देखो एक तो मेरा भी भैया यार Zenfone 5G फ्लैगशिप में ठीक है, अच्छी प्राइसिंग पे मिल जाते हैं वो आपको, इसका जो बेस वेरिएंट है बिल्कुल। दूसरा फोन है नोकिया का 5.1 प्लस, जिस प्राइस पे जो परफॉर्मेंस वो आपको दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये दो फोन, ये चार फोन हमने आपको, मतलब ये दोनों ही फोन्स वैल्यू फॉर मनी है। मैंने जो नोट 9 बताया वो थोड़ा ओवर प्राइस है, बट फेवरेट फोन की बात हुई तो मेरे को वो अच्छा लगा यूज करने में तो मैंने बता दिया, बट अनुज ने जो दोनों फोन्स बताए वो एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए इसी बात पे नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट पे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो 30,000 वाला प्राइस सेगमेंट है उसके बारे में। यहाँ एक 200 फोन आता है जो कि LG की तरफ से है। हाँ, बहुत ही अंडररेटेड स्मार्टफोन, अंडररेटेड स्मार्टफोन है, फोन काफी अच्छा है, LG G7 ThinkQ। बिल्कुल यार, ये फोन डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है, इस फोन की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एंड नो डाउट इस फोन का कैमरा भी काफी अच्छा है। तो इस फोन को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, LG की आफ्टर सेल सर्विस भी काफी बढ़िया है। इसकी हाइक क्यों नहीं हुई? LG ना मार्केटिंग ही नहीं कर रहा इंडिया में, फोन तो ये काफी अच्छा है। हाँ, ये फोन मतलब 30,000 रुपीज में, और अभी सेल में तो आपको और कम में भी मिल जाएगा, मतलब ये 25 तक भी मिला है फोन। हाँ, 25 तक, 25-26 में मेरे कई नोन हैं जिन्होंने परचेस करा है, तो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो। जिन्होंने भी लिया है ना वो सब खुश हैं इसको परचेस करके। बिल्कुल, फोन की परफॉर्मेंस वगैरह सबको बढ़िया लगी है, कोई लैग नहीं है इस फोन में। बिल्कुल, स्नैपड्रैगन 845 है, और कैमरा भी बहुत बढ़िया है इसका, तो ये फोन आप कंसीडर कर सकते हो। बिल्कुल। और हमारा जो एक है ओनर व्यू 20, जो कि आपको 29 को इसका प्राइस सामने आएगा क्या है, क्या है, और अभी हमने यूज करना जो स्टार्ट ही करा है, अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी। हाँ, अभी अपकमिंग मतलब कुछ वीडियोस में आपको इसके बारे में और बात करेंगे डिटेल में। दूसरा एक 60 आता है। हाँ बिल्कुल, तो क्या कहोगे इसके बारे में? कैमरा OnePlus 60, यार मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको 50,000 रुपए से कम प्राइस में एक ऐसा फोन चाहिए जिससे आप कमाल की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट कैमरा से भी, रियर कैमरा से भी, तो 1080p 30fps पे जो वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको मिलती है ना OnePlus 60 में, जो EIS है, वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की है, कमाल का किया। हाँ, OnePlus ने बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करी है, बिल्कुल स्मूथ वीडियो बनती है, चाहे आप जितना मर्जी शेकी हैंड्स हो आपके, डांस करते करते बना लो, चाहे डांस करते करते बना लो, तब भी इतनी स्टेबल रिकॉर्ड होगी। और परफॉर्मेंस तो इसकी लो लाइट में तो खैर है ही कमाल, और डे लाइट में भी काफी शार्प है। जो सेकेंडरी सेंसर है इसका वो लो लाइट के लिए है स्पेशली। हाँ, बहुत मतलब, हाँ, प्राइमरी सेंसर की भी जो इमेज क्वालिटी है उसको भी इनहेंस करता है इनफैक्ट। और वहीं अगर ओनर व्यू 20 देखते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रियर में। बिल्कुल। दूसरा कैमरा है TOF सेंसर, तो इसकी टेस्टिंग चल रही है, इसकी टेस्टिंग चल रही है, और अगले 2 से 3 दिन में आपको कैमरा कंपैरिजन मिल जाएगा मेरे चैनल पे, और पूरी डिटेल में फिर एक्सप्लेन करेंगे कि OnePlus 60 और View 20 में से किसका कैमरा बेटर है। ओवरऑल कौन सा फोन अच्छा पैकेज हमें दे रहा है सब आपको बताएंगे। ओवरऑल जो पूरा पैकेज दे रहा है वो वीडियो आपको मिलेगी अनुज के चैनल पे। बिल्कुल। अगर पूरा जो कैमरा कंपैरिजन है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रखना दोनों को। तो दोस्तों हमने आपको काफी स्मार्टफोन्स बता दिए हैं, तो वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ा और मसालेदार क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल हो जाए। आप मुझे बताओ कि आपको सबसे बेकार स्मार्टफोन कौन सा लगा 2018 का, जो कि आप रिकमेंड गलती से भी नहीं कर सकते। या 2018 में ना मतलब कई ब्रांड ऐसे थे जिनके कुछ फोन अच्छे थे और कुछ फोन बुरे थे, बट एक ब्रांड ऐसा था जिसके सारे फोन बुरे थे। अच्छा। और मेरे ख्याल अनुज भाई भी अग्री करेंगे मेरी बात से, इनफिनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। इनफिनिक्स हॉट S3X देखने को मिला हमें, इनफिनिक्स नोट 5 देखने को मिला, और RO Note 5 पे भी, और Infinix Note 5 स्टाइलस देखने को मिला। अब इनमें से सिर्फ Infinix Note 5 था जो थोड़ा ठीक लगा हमें। बिल्कुल। इस टाइम पे तो 7-8 हज़ार रुपए का मिल रहा है। वो भी इसलिए ठीक लगा था कि कम प्राइस पे फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जर बॉक्स में फुल HD+ डिस्प्ले, और Android One के ऊपर प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड था, तो मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पे मिल जाएंगे, और बिल्ड क्वालिटी भी ज्यादा बुरी नहीं थी, बस उसका कैमरा अच्छा नहीं था, बस उसमें एक ये मेन कमी थी। तो यहाँ पे Infinix को थोड़ा और ध्यान देना होगा। बिल्कुल देना होगा। और Hot S3X और Infinix Note 5 Stylus, उसकी तो बात ही नहीं है, उसकी तो हम क्या ही बोले, खैर छोड़ो, ज्यादा बोलेंगे नहीं इस बारे में। तो बहुत हो गई Infinix की बातें, अब फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अनुज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और सारे ओपिनियन हमें हमने जो शेयर करे आपसे, हम उम्मीद करते हैं आपको भी काफी पसंद आई होगी वीडियो। बिल्कुल। तो ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में बता देना, और कोई और भी आइडिया हो आपको, कोई नया टॉपिक हो दिमाग में जो आप चाहते हो कि हम क्लियर करें, तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर शेयर करना, हम सारे कमेंट्स देखेंगे। एंड होपफुली अगर कोई ऐसा टॉपिक मिला जिसके लिए ज्यादा रिक्वेस्ट आई होगी तो एक वीडियो और अपलोड कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।